सोलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रियलमी 9 प्रो के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके सारे स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इन स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा। तो उन सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एंड उसी के साथ आपको इसके लॉन्च डेट एंड इसकी प्राइसिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें आपको सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6.59 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। बट गाइस, जो फोटो लीक हुई है वहाँ पे आपको 6.43 इंचेस तक डिस्प्ले देखने को मिल रही है। और गाइस, इसके स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, लीक्स आ रहे हैं कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा वो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट से अब छुटकारा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ आपको इसके कैमरे के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, दो कैमरे आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल मिलेंगे एंड कॉर्नर वाला आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। तो ये तीन कैमरे का सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे इस कैमरे का जो कटआउट है वो आईफोन से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। और गाइस, इसके फ्रंट कैमरे का मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ आपको कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। अब मैं आपको इसके बैटरी के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे जो इसकी बैटरी की कैपेसिटी होगी वो आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड इसका जो चार्जर रहेगा वो आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इस सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फाइनली इसके प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ कि आपके कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वैसे इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर का नाम है स्नैपड्रैगन 695 5G। तो इस प्रोसेसर के साथ आपको रियलमी 9 प्रो 5G काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली मैं आपको इसकी लॉन्च डेट एंड इसकी प्राइसिंग के बारे में बता दूँ। दोस्तों, इसके लॉन्च डेट के बारे में पहले बताऊं तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो 4 फरवरी आ रही है। मतलब लीक के हिसाब से 4 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,999 रुपीज़ है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जितने भी स्पेसिफिकेशन बताए वो सब एक्सपेक्ट किए गए हैं एंड इसकी लॉन्च डेट भी एक्सपेक्ट की गई है एंड इसका जो प्राइस है वो भी एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जैसे इसके प्राइस एंड इसकी लॉन्च डेट पर। तो जितने भी फीचर्स मैंने बताया आप उसको कन्फर्म मान सकते हो, क्योंकि जितने भी एक्सपेक्टेड फीचर्स रहते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन एंड इस लॉन्च डेट के साथ एंड इस प्राइसिंग के साथ, प्राइसिंग वैसे थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी, वैसे एक्सपेक्ट काफ़ी ज़्यादा कर लिया गया है। तो इन फीचर के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, यही वीडियो था। अगर आपको Realme 9 Pro को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।